अच्छा जी, अब जाना था मैंने कहाँ पे? मैंने जाना है बहावल नगर, यानी कि मदरसा मंडी। तो मदरसा मंडी जाने के लिए मुझे पता करने के लिए आना पड़ा है न्याजी अड्डे, जो देखिए पीछे लिखा हुआ कहीं पे, ये लिखा है बुकिंग ऑफिस। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और पता करते हैं कि यहाँ से कैसे हम जा सकते हैं बहावल नगर, यानी कि मदरसा मंडी जा सकते हैं। तो मदरसा मंडी के लिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता लगी है वो बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन पहले पता करते हैं। लेट्स गो। भाईजान, मुझे ये पता करना है कि मैंने बहावल नगर मदरसा मंडी जाना है। सामने बता। सामने क्या? सामने बता कर। वहाँ पे वो जो बोर्ड लगा हुआ है? नहीं जी, वो बोर्ड के नीचे कह रहे हैं पता करें, पता नहीं वहाँ से कौन सा। मदरसा मंडी बहावल नगर है। अल्लाह की कसम, कुछ भी समझ नहीं। वो 11 बजे जाएगी रात को 11 बजे अच्छा बहावल नगर पे स्टॉप करेगी, वहाँ पे उतारेगी। अच्छा, वहाँ से अगर मैंने मदरसा मंडी जो लगती है मंडी, वहाँ गाड़ी खड़ी होगी, मिल जाएगी गाड़ी। अच्छा, तो बहावल नगर की यहाँ से कितने बजे, रात को कितने बजे निकलेगी? रात रात डेढ़ बजे। डेढ़ बजे, और वो कितने बजे पहुँचा देगी? 5 बजे सुबह पहुँचा देगी। क्या टिकट क्या है, कितने की है? 400। और वहाँ से वापसी आना होगा तो बहावल नगर वापसी वहीं पे आना पड़ेगा। मदरसे से मिल जाएगी लाहौर की। ये एक्चुअली कहानी तो है न्याजी एक्सप्रेस की, लेकिन न्याजी एक्सप्रेस यतीम खाने आने के लिए मुझे पहले घर से निकलना पड़ेगा और फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि मैं ठोकर न्याज पे जो मेरे घर के करीब पड़ता है उसे पता करते हैं, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पता करते हैं। बहावल नगर जा रही है? सॉरी, और उस साइड पे, किसी साइड पे बहावल नगर साइड पे न्याजी से पता करते हैं। नहीं जी, टिकट मैंने परचेज कर ली, लेकिन हुआ क्या, टिकट थोड़ी सी हो गई थी ख़राब, तो मैंने कहा इसको कर लेते हैं थोड़ी सी इस्त्री, और जब इस्त्री किया तो वो भी है कुछ इस तरह से। और अब ये समझ नहीं आ रही कि अब क्या करूं, तो अभी मैं जा रहा हूं दोबारा न्याजी अड्डे, और न्याजी अड्डे में मैंने टिकट वो ऐसी जेब में डाल ली, क्योंकि मेरी सेल्फी स्टिक की जो है ना कोई वो पिन वगैरह निकल के गिर गई, तो वो भाई साहब थे उन्होंने बताया कि ये पिन गिर गई है, तो वो मैंने ऐसे ही जेब में डाली, तो चुड़ुर मुड़ुड़ हो गई थी। अब ये हाल हो गया मेरी टिकट का, जो आपको मैं दिखा भी नहीं सकता। तो लेट्स गो के मैं जाके, और मैं टिकट लेते वक्त की भी वीडियो नहीं बना सका, गलती होगी मेरे लिए। मेरी ये टास्क जो है मुझे आइकिया पर जाना पड़ रहा है न्याजी अड्डे, और वहाँ जाके देखते हैं मेरी टिकट का क्या बनता है, क्योंकि अभी तक मुझे ये टेंशन लगी हुई है कि वो शायद टिकट मुझे दोबारा ना परचेज करनी पड़ जाए। तो आई होप कि लग रहे ऐसा ना हो, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो लेट्स गो। अब मुझे टिकट दोबारा मिली है, शुक्र है। और चलो, दिस इज माई टिकट बहावल नगर, आई एम कमिंग। अंकल जी, किधर जाके बैठना? जरा सीट नंबर थोड़ा उठे बैठना। नहीं, बस किधर है? बस बस साहब सामने। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, मेहरबानी। शाप शिप करो। ठीक है,
تو یہ تھا جی سفر اس بس کا اس کے ساتھ, اور اب ہم چشتیاں جانے کے لیے, چشتیاں یعنی کہ جو مدرسہ میں اپنی اسپرینڈ اندر بھولا ہے, اور کوئی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا اس کے چکر میں. تو یہ جی منظور کچھ پتہ نہیں کیا پیچھے لکھا ہوا ہے اس کا, اور کافی بس وغیرہ اسٹینڈ وغیرہ یہاں پہ ہیں. تو اس جگہ کی لوکیشن بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ اترتے ہی آپ لوگوں نے اس روڈ پہ جانا ہے. تو اس اڈے پہ جس پہ میں اتراؤں اس کے پیچھے جو ہے نا, اس بلڈنگ کے پیچھے یعنی کہ وہ ہے واش روم, اور واش روم جانے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے پے, اہم ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ویٹنگ ایریا ہے, کس ٹائپ کا ویٹنگ ایریا ہے, یہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, وضو خانہ بھی ہے, اور اس وقت ٹائم ہوا ہے 5:30, اور 5:30 بجے میں یہاں پہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 5:20 پہ میں یہاں پہنچا تھا 10 منٹ پہلے, اور وہاں پر اوکے یہاں پر یہاں پہ میں اترا تھا. اترنے کے بعد اس شیڈ کے نیچے اگر آپ آئیں گے تو یہاں سے بس چل رہی ہوگی یا کوئی چیز بھی جا رہی ہوگی, تو یہ جو انکل جی ہیں ان سے جا کے آپ لوگوں نے پوچھ لینا, یہاں پہ دو بندے بیٹھے ہیں, تو میں نے ان انکل جی سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی کوئی نہ کوئی بس آ جائے گی جس پہ آپ مدرسہ منڈی کی طرف روانہ ہو جائیں گے, اور وہ اس روڈ پہ ہی ہوں گے. تو لیٹس سی, پوچھتے ہیں ان سے کتنی دیر میں آ جائے جی انکل جی, کوئی آنے والی ہے؟ آنے والی ہوگی, کہاں جانا ہے؟ مدرسہ. منڈی والا صاحب,